हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 ट्रिक्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक नंबर 1 से। इस ट्रिक को करने के लिए आपको नए ग्लोवाल की ज़रूरत पड़ेगी जो टॉपअप में आया है 500 डायमंड्स पे, जो आपको मिलेगा। तो आपको ग्लोवाल डालना है, तो इसके आगे एक हिडन प्लेस है, तो आप यहाँ पे आराम से हाइड कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही ग्लोवाल है और वहाँ पे एनिमी ज़्यादा है तो आप इसके अंदर आराम से छुप सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, खाली आपके पैर वहाँ पे दिखाई देंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्क्वाड, जो एक या एक से ज़्यादा स्क्वाड आ जाते हैं एक ही साथ में, तो जब फाइट होती है तो आप इसके अंदर आराम से कैंप कर सकते हो। जब तक थोड़ी से बंदे कम हो जाते हैं तब तक इसके अंदर आप आराम से रह सकते हो और यहीं से बंदों को नॉक कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है और आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही ट्रिक्स है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो इनको हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं आज की ट्रिक नंबर 2 के बारे में, जिसके लिए आपको प्लांटेशन में जाना होगा। प्लांटेशन के पास जो लॉन्च पैड है वो आपको यूज़ करना है उस वाटर टैंकी की तरफ। वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची जगह है और वहाँ से आप किसी भी बंदे को नॉक कर सकते हो। आपको सीधा निशाना जो है उस टैंकी के ऊपर ही लगाना है, तो आप इसके ऊपर आराम से आ जा सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी बंदे को आराम से नॉक कर सकते हो। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे मैं और मेरा जो टीममेट है हम दोनों यहाँ पे आ गए, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है रैंक पुश करने के लिए। तो यहाँ से आप किसी भी बंदे को आराम से नॉक कर सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर आप अपनी रैंक भी आराम से पुश कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ से जंप करने के बाद आपको कितनी मेडकिट यूज़ करनी पड़ेगी या कितना डैमेज हमको पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लगभग आपको 2 मेडकिट तो आराम से यूज़ करनी होगी और आपकी HP जो है फिर से फुल हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आप बात करते हैं आज की ट्रिक नंबर 3 के बारे में, जो आपको लॉन्च पैड के पास करनी है। आप किसी भी लॉन्च पैड के सामने कर सकते हो। अगर आपका टीममेट जो है वो लॉन्च पैड यूज़ करना चाहता है, अगर आप उसके लॉन्च पैड के सामने बैठोगे तो वो लॉन्च पैड यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, जो मेरा टीममेट है वो लॉन्च पैड यहाँ पे यूज़ करना चाहता है, लेकिन उसका जो लॉन्च पैड है वो ब्लॉक हो गया है और वो लॉन्च पैड यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो आप वीडियो में देख सकते हो, वो लॉन्च पैड तो यूज़ कर रहा है लेकिन फिर से वापस वो यहाँ पे आ रहा है। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, वो लॉन्च पैड तो यूज़ कर रहा है लेकिन लॉन्च पैड उसे वापस खींच रहा है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो मेरा टीममेट है वो अब सामने बैठ गया है, तो मैं लॉन्च पैड को यूज़ करूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्च पैड यूज़ किया है, लेकिन लॉन्च पैड मुझे वापस नीचे धकेल रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।